महफिल जो आज सजी है, इस महफिल में है कोई हमसा, हमसा हो तो सामने आए, हमसा हो तो सामने आए। पाकिस्तान एक अरसे तक हॉकी के मैदान में छाया रहा। ओलंपिक से लेकर एशियन गेम्स के तमाम टाइटल्स पाकिस्तान के पास रहे हैं और यकीनी तौर पर ये किसी भी टीम के लिए एजाज है। इसकी वजह सिर्फ पाकिस्तान के खिलाड़ी और उनकी आला कारकर्दगी और टीम स्पिरिट के सबब, जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। और इनमें एक नाम जो नुमाया है वो मुनीर डार का है। मुनीर डार ने 108 मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और 83 गोल्स किए। इसके अलावा उनका मुनफरिद एजाज ये भी है कि एक मैच में 5 गोल स्कोर किए, इसमें एक हैट्रिक भी शामिल है। तेजी, फुर्ती, तंजीम और बेहतरीन खेल ने बर्तरी का फैसला कर दिया। आलमी चैंपियनशिप का एजाज फिर एक बार पाकिस्तान के पास है और पाकिस्तान के हिमायती जीत की खुशी में सरशार नाचने लगे। टीम इनामात हासिल करने के लिए सफारा है। यके बाद दीगरे पाकिस्तानी खिलाड़ी विक्ट्री स्टैंड पर आ रहे हैं और चौथे एशियाई गेम्स में तिलाई तमगे हासिल कर रहे हैं। मुनीर डार न सिर्फ खुद एक आला खिलाड़ी थे बल्कि अपनी तरबियत और रहनुमाई से पाकिस्तान को तनवीर डार और तौकीर डार जैसे खिलाड़ी दिए। मैं यकीनी बात है, बड़े भाई से ही सीखा, उन्हीं की वजह से मैंने हॉकी शुरू की। बहुत ज़्यादा इन्होंने मेरे रहनुमाई की और मैं और ये एक 66 में ये टीम के कप्तान थे, तो मैं उस वक्त पहली दफ़ा सिलेक्ट हुआ था, तो यही टीम के कप्तान थे साथ। और फुल बैक मैं और ये दोनों, एक कीनिया का हमारा टूर था 66 का, तो मैं और भाई बड़े दोनों फुल बैक खेले पाकिस्तान टीम की तरफ से। मैच से एक दिन पहले, क्योंकि मेरा पहला टूर्नामेंट, पहला मैच था बाहर जाके पाकिस्तान टीम की तरफ से खेलने का, तो रात को कीनिया में ठहरते जो हैं वो घरों में ठहराते हैं, वहाँ लोग जितने मुसलमान हैं वो दो दो प्लेयर या तीन तीन प्लेयर अपने घरों में, जैसा जहाँ घर का माहौल होता है उसी तरह वो अपने घरों में ठहराते हैं जी। तो मैं सुबह मैच से, सुबह मैच था तो रात ये मुझे खुद अपने साथ ले गए। रात 12 बजे तक इन्होंने मुझे बताया कि भाई यूँ करना है, क्योंकि वहाँ मोहरम पे गेंद, वो बजरी ग्राउंड है, तो बजरी की ग्राउंड पे उस वक्त हॉकी वहाँ होती थी। तो उन्होंने कहा भाई बेटा इस तरह करना है, ये तुम यूँ, सारे रात मुझे काफ़ी देर तक समझाते रहे, तो 12 बजे मुझे छोड़ा। अगले दिन जब मैच शुरू हुआ तो शुरू दो तीन गेंद इन्होंने खुद लेके मुझे दिए कि लेके तुम आगे चलो, कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। तो अल्लाह का फजल कि वो हम टेस्ट मैच भी जीते। तो सुबह कीनिया के पेपर्स में यही लिखा था कि मुनीर से अच्छा जो है वो तनवीर कह रहा। जब से होश संभाली हसन भाई, तो घर में हॉकी के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं होता था, क्योंकि वालिद भी हॉकी प्लेयर रह चुके थे, उसके बाद चाचा भी। तो एक तो कोई भी बच्चा हो, कोई ना कोई खेल में तो दिलचस्पी लेनी होती है, और हमारे घर में तो पहले से ही हॉकी, बात भी हॉकी में होती थी और हर चीज़ हॉकी में होती थी, तो इसलिए फिर हॉकी का शौक पड़ गया। और पेनल्टी कॉर्नर जैसे आपने कहा, तो वो आप इनहेरिटेंस समझ लें या खून में समझ लें, तो वो जैसा कि वाले साहब लगाते रहे, फिर चचा, फिर मैं लगाता रहा। हनीफ खान, सईद खान कह रहे हैं हनीफ के पास, मुश्ताक डी के अंदर अंपायर ने कहा पेनल्टी कॉर्नर, तरीके से चेक हुए उसकी वजह से अंपायर साहब तो ने पेनल्टी कॉर्नर दिया। खानदान में कई अफराद हॉकी में नुमाया हैसियत के हामिल हैं।
اور بے شمار ٹرافیاں اور میڈل جیتے۔ پاکستان کی ہاکی کا جو گلوریس پاسٹ ہے اس میں ہماری فیملی نے جو گولڈ میڈل یا سلور میڈل حاصل کیے ہیں اس کی تفصیل بتاتا چلوں۔ میلبرن میں کھیلا گیا یہ اولمپک گیمز 1956 میں، پہلا سلور میڈل جو پاکستان کی ہاکی ٹیم نے جیتا تھا، اور ایک تھریٹ کی صورت میں وہ ابری تھی ورلڈ ہاکی میں انڈیا کے خلاف، کیونکہ اس سے پہلے انڈیا پچھلے 8 اولمپک گیمز میں گولڈ میڈل جیت چکی تھی۔ اس کے بعد یہ پہلا ورلڈ کپ جو 1971 میں بارسلونا میں منعقد ہوا، اس میں میرے مرحوم گریٹ تنویر ڈار جو کہ ہائیسٹ اسکورر اور مین آف دا ٹورنامنٹ بھی قرار پائے تھے اور پلنٹی کارنر کنگ تھے اس وقت کے، یہ ان کا گولڈ میڈل ہے بارسلونا میں جو پہلا ورلڈ کپ پاکستان نے جیتا تھا۔ اس کے بعد یہ انہیں کا 1968 کا میکسیکو اولمپکس کا گولڈ میڈل، اس میں بھی انہوں نے 5 گول سکور کیے تھے اور سیکنڈ ہائیسٹ اسکورر تھے پاکستان کی ٹیم کی طرف سے۔ یہ 1964 کا سلور میڈل جو منیر ڈار صاحب نے ٹوکیو میں حاصل کیا، یہ 1966 کا سلور میڈل جو ایشین گیمز میں حاصل کیا، یہ 1972 کا اولمپک سلور میڈل جو تنویر ڈار صاحب نے حاصل کیا، یہ 1962 کی ایشین گیمز کا گولڈ میڈل جو پاکستان نے ہندوستان کو 0 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرانے کے بعد حاصل کیا تھا، اور یہ چیمپئنز ٹرافی کے سلور میڈلز 1983 اور 84 کے، اور اس کے علاوہ اور کافی سارے میڈلز جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، یہ اس عظیم ہمارے ہاکی کا پاسٹ جو پاکستان کی ہاکی ٹیم نے اچیومنٹس کی ہیں۔ خوش مزاجی منیر ڈار کی شخصیت کا حصہ ہے، آج بھی وہ ہر محفل کی جان ہے، خواہ وہ فیملی کی ہو یا دوستوں کی، اسے زعفران زار بنائے رکھتے ہیں۔ آج کل بھی اپنی تمام مصروفیات کے ساتھ ساتھ عموماً اپنے گھر میں پرانے کھلاڑیوں کی محفل لگاتے ہیں اور اپنے خوبصورت ماضی کی یادیں تازہ کرتے ہیں۔ ہم اس کو سب چاچا کہتے ہیں، چاچا اس لیے کہ ان کا ہم سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے، ان سے جو بڑے بھی ہوتے ہیں نا ان کو بھی، اور نہیں پتر کا الگ ہوئی نہیں اس طرح کا بھی، تو ہر ایک کو پتر کر کے بلانا تو وہ سب وہ چاچا ہی کہتے ہیں، تو ان میں بھی انہوں نے کوشش ہوتی تھی کہ یہ مجھ سے چھوٹے ہیں، میرا والد خواجہ طارق کے والد سے چھوٹا تھا، جب باہر جاتے تھے وہ ان کو سپروائز کرتے تھے، اب میں ان کا گارڈین ہوں یہاں، ایسی باتیں عام کر جاتے تھے۔ منیر ڈار 28 مارچ 1935 کو امرتسر میں پیدا ہوئے، کھیلوں کا شوق ان کے خون میں شامل ہے، ان کے خاندان کے کئی افراد کھیلوں سے وابستہ رہے، ان کے والد خواجہ بشیر احمد کرکٹ کے بہت اچھے کھلاڑی تھے۔ صرف ہمارا ایک ایسا خاندان ہے دنیا میں کہ کسی قوم نے ایک کھیل میں 3 گولڈ میڈل جیتے ہوں، تو ہر دفعہ جب گولڈ میڈل جیتا گیا اس میں ایک فرد ہمارے خاندان کا کھیل رہا تھا۔ قیام پاکستان کے وقت وہ 7ویں جماعت میں تھے، وہ ہجرت کر کے لاہور اپنے خاندان کے ساتھ بس گئے، جو گھر ان کو الاٹ ہوا وہ دل محمد روڈ پر واقع تھا، اور آج بھی وہ عموماً اس علاقے میں جاتے ہیں جہاں ان کی پھپھی صغرا بیگم قیام پذیر ہے۔ بچپن انہوں دا ایتھے ہی گزریا، اسے گھر دے وچ ایتھے ہی میرے انہیں بس ہاکی بھی سیکھی تے پھر پڑھائی دا جو کچھ کیتی میں پڑھیا بھی، ماں دیاں بڑیاں دعاواں سی، اے چ کوئی شک نہیں، صرف تے سیند دے وچ شروع ہویا ہوندا سی اپنے، اوتھے نے اس نے واقعی شیشے بھی توڑ دینے، جو آیا اگے ٹٹ گیا کوئی پرواہ نہیں، ہاکی چلتی ہے اتنے اتنے اپنے آپ محلے کے جڑے بچے منڈے سن سمجھے ہان دے انہوں نے اتنے لڈیاں پاؤنیا ناچ کرنے اتنے گلی دے پیچھے، منیر ڈار آیا جت کے آیا جت کے آیا، بڑے رنگ سن۔ اس گھر سے ایک ہاکی نکلی تھی جس نے مجھے ہاکی پلیئر بنایا ایکچولی، اور اس ہاکی کو لے کے میں یہاں یہ جو گراؤنڈ ہے یہاں ساتھ دیال سنگھ کالج کی اس میں چلا گیا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میں نے ہاکی شروع کی اور کھیلی، اب یہ ویرانی دیکھ کے حیرت ہو رہی ہے کہ کون ہاکی کھیلے گا اس ملک میں، یہاں پر میرے ساتھ وہ سینئر کھلاڑی بھی کھیلے ہیں پاکستان کے، مسعود گھوڑا جو کہ پاکستان کو ریپرزینٹ کیا 48 میں انہوں نے، اور اس کے بعد خواجہ اسلم جو 52 میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں، میرے استاد بھی تھے مسل الدین جو پی ٹی وی سے وابستہ رہے ہیں، میرے ماموں تھے اور وہ اس کالج میں پڑھتے رہے ہیں، وہ
उस कॉलेज के कप्तान भी थे, क्रिकेट के भी और हॉकी के भी और एथलेटिक के भी। तो बड़े नामवर खिलाड़ी यहाँ से पैदा हुए हैं और हाल इस ग्राउंड का आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। यहाँ कोई खेलने वाला नहीं, घास का अंदाज़ा कर सकते हैं आप कि नोबडी कैन प्ले ऑन दिस पिच नाउ। मुझे रोना आ रहा है इस ग्राउंड को देख के, इसकी हालत ज़ार को देख, क्योंकि ये मखमल की तरह ग्राउंड होती थी और सामने इसके जिमनेजियम में, वो सामने ये जिमनेजियम हुआ करता जो सिर्फ आप एक शेल्टर देख रहे हैं इस वक्त। यहाँ पर हम जिम में जाके एक्सरसाइज करते थे जो कि हॉकी को रिक्वायर्ड थे उस वक्त। तो ये हालात हैं। लाहौर में हिजरत के बाद गवर्नमेंट खजाना स्कूल में दाखिल हुए जो कि नासिर बाग के सामने ही था। वहां जाकर हॉकी खेलते थे अपने साथी खिलाड़ियों के साथ, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर स्कूल को छोड़कर आठवीं जमात के बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल चिश्तियां इस्लामपुरा में दाखिल हुए। वो कमरा है जहां पर हम फीसें जमा कराते थे और मास्टर यासिन शाह उसके इंचार्ज होते थे, वो स्पोर्ट्स के भी इंचार्ज थे। और आठवीं जमात के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि कटरा खजाना स्कूल में मैंने पास की, उसके बाद स्कूल छोड़ा मैंने इसलिए कि मुझे हॉकी टीम का कप्तान नहीं बनाया, गुलाम अज़र भाई को बना दिया जो कि बाद में चीफ मिनिस्टर पंजाब भी रहे। तो मैंने वो स्कूल के साथ अपने साथ दो एक लड़के और ले आए अच्छे खिलाड़ी। तो इस स्कूल में नवीं मैंने दाखिला लिया और फिर मैट्रिक यहाँ से पास की। ये टेंथ ए थी इस क्लास, इसमें मेरे साथ ये चेयरमैन बाबडा जो है इस तारक, वो भी मेरे साथ पढ़ते थे यहाँ, और उसका भाई खालिद जो कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी के। तो बड़े लायक लड़के थे, मैं ही मेरा ख्याल नाराक था इनमें, वो बहुत लायक लड़के थे क्योंकि मैंने सेकेंड ईयर में मैट्रिक किया था तो उन्होंने हाई क्लास पर वो पंजाब में नंबर दो और तीन थे दोनों उस साल जब हमने मैट्रिक किया। जब प्रैक्टिस यहाँ करते थे हमारे उस्ताद थे हाजा असलम जो रेलवे में स्पोर्ट्स के इंचार्ज भी थे, तो वो हमें बहुत मेहनत कराया करते थे। मुझे कहते थे कि तू पाकिस्तान प्लेयर 1956 में तू पाकिस्तान की टीम में होगा। मैं कहता था मैंने 50 में हॉकी शुरू की है, 56 में कैसे आ जाऊँगा। कहते नहीं तुम ये मेहनत करो। वो सुबह हमें भगाते थे लॉरेंस गार्डन में जाके और इतनी मेहनत कराते थे कि बड़ी भूख लगती। जब वापस आता था घर तो वालदा साहब मेरी दो हमारे का घर में भैंसें थी उसका सारा खूब सुबह मक्खन निकालते थे, वो इतना मक्खन होता था हमारे घर। और पराठे वो जो डूंगा कहते हैं ना तवा, उसमें पूरा घी होता था, उसमें वो पराठे जैसे पूड़ा नहीं तलते पूड़ा नवा वो बनाते थे दो में वो लेके, ऊपर इतना मक्खन ऊपर शहद और मलाई ये खाते थे। उसके बाद नमकीन चाय का एक प्याला और उसके बाद मुझे नींद आती थी तो 11 बजे तक बिल्कुल बेहोश, पता नहीं होता था कहाँ पड़ा हूँ। तो ये हमारी उस पर खुराक होती थी। अब तो आप खा नहीं सकते क्योंकि आप बर्न नहीं कर सकते इतना खाने के बाद। उस दौर फिर मैं 12 बजे ग्राउंड में घुस जाता था, 4 बजे लोग खेलने को आते थे तो मैं 12 बजे तो 200 हिट पेनल्टी कॉर्नर की प्रैक्टिस करता था गोल के अंदर। इस्लामिया कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज खेलों के मैदान में हरीफ थे। दोनों कॉलेजों के इंतजामिया